देश भर में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। रमजान खत्म होते ही जो ईद मनाई जाती है उसे ईद उल फितर कहा जाता है। ईद के दिन खास रौनक होती है। इस दिन मस्जिदों को सजाया जाता है, लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से गले लगकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। दो वर्ष बाद कोरोना संक्रमण कम होने की वजह से जिले की ईदगाहों में भी रौनक देखने को मिली। धर्मगुरु मौलाना सफदर हुसैन जैदी ने ईद की नमाज अदा करने के बाद मुल्क में अमन सलामती की विशेष दुआ कराई। उन्होंने लोगों से अपील कि मुल्क को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दें एवं शासन प्रशासन की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। माशाल्लाह इस साल दो साल के बाद ईद मनाई गई, माशाल्लाह बहुत अच्छा, पूरा मजमा समझ लीजिए तकरीबन 50,000 का मजमा भरा हुआ था। माशाल्लाह सब अच्छे से हो गया।